मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। इस बच्चे का नाम छुपा देता हूं यहां, इसके माँ बाप ना देख ले कहीं, नहीं तो इसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ये बच्चा यहां पर क्या लिख रहा है, सुसाइड करने का मन करता है। बच्चा लिख रहा है सुसाइड करने का मन करता है। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो NTPC RRB के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500-500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं NTPC और RRB में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी? बच्चों की यह हालत हो रखी है, किसान वैसे ही गरीबी में सुसाइड कर रहा है, बच्चा भी सुसाइड करने लगे तब शर्म आएगी क्या? युवा क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर है? क्या ऐसा कारण है कि पूरे देश भर में सरकार के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है? ये जो युवा है ना मोदी साहब, ये कोई अनपढ़ युवा नहीं है, ये जागरूक और शिक्षित युवा है। हिंदुस्तान का युवा इतना कमजोर नहीं है कि किसी के दबाने से दब जाएगा या रुकने से रुक जाएगा। मोदी साहब 2016-2018 और 20 आ गया है, कितनी सारी वैकेंसीज निकली हैं SSC के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से। चुनाव होने वाले थे अप्रैल 2019 में, ठीक एक महीना पहले मतलब मार्च 2019 में 90,000 रेलवे की वैकेंसीज निकाली गई। ऊपर से जो भी एप्लीकेंट थे उनसे 500 रुपये फीस मांगी गई, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? आज तक बच्चों को क्यों जॉब नहीं मिली है? क्यों लोग बेरोजगार हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बट उसके साथ साथ उसको और डोज भी मिल रही है। एक तो ये चीजें तो है, उसके साथ साथ पेपर आउट, भाई साहब आरआरबी का पेपर हुआ, आरआरबी का जेई का पेपर हुआ, तब से पेपर आउट, भाई हर जगह पेपर आउट हो रहे हैं। उसके बाद भी उस पेपर का कोई अता पता नहीं है, पेपर आउट हो रहा है क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, रिजल्ट आता नहीं है, एग्जाम टाइम पे होता नहीं है, जब होना है तो होगा नहीं, हो जब नहीं कराना चाहिए तो आप एग्जाम करा रहे हो, बड़ा सिचुएशन क्रिटिकल आ चुकी है। अगर आप नहीं करा रहे हो एग्जाम तो रिलैक्सेशन एज में, जो भाई इनकी एज बढ़ चुकी है वो बेचारे क्या करेंगे, उनका कुछ अता पता नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी यूपीएससी सीएससी का एग्जाम का अता पता नहीं था, अभी भी हो सकता है आप तो एडमिट कार्ड दे दिया, मतलब सुनने की कोई वो ही नहीं है। तो जो बच्चे लेट हो रहे हैं उनकी एज रिलैक्सेशन का क्या इशू है? प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं है, आप बेकार से सेंटर डाल देते हो, बच्चे जाते हैं सेंटर में परेशान हो जाते हैं, वहां पे पेपर आउट हो जाता है। सिस्टम होना चाहिए ना हर चीज का, फॉर्म भरे जा रहे हैं लेकिन करोड़ों में फॉर्म भरे जा रहे हैं, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अपने एक्सपेक्टेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। तो ये कुछ एग्जाम जो रेलवे SSC के खासतौर से एग्जाम्स हैं, इनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। अभी बस इतना मेरे को कहना है कि आप लोग बेवकूफ नहीं हो, आप लोग स्टूडेंट हो और आप लोग सच में इस देश का बैकबोन हो। जो गुस्सा है वो ट्विटर पे दिखना चाहिए, यहां बैठे बैठे तुम नेताओं के कुर्ते फाड़ दो यहीं से। ये जब चुनाव का नामांकन होता है उससे पहले बढ़िया बढ़िया वैकेंसी निकालते हैं, 90,000 वैकेंसी निकाल दिया टीचर की, 70,000 वैकेंसी निकाल दिया SSC में, वैकेंसी निकाल दिया रेलवे की, वैकेंसी निकाल दिया, और उसके बाद 5 साल उसका कोई अता पता नहीं होता। कभी उसको रिजल्ट के नाम पर अटका देते हैं, कभी उसको Tier 3 के नाम पर अटका देते हैं, कभी डिस्क्रिप्टिव के नाम पर अटका देते हैं, कभी जॉइनिंग के नाम पर अटका देते हैं। ऐसे करते करते 4-5 साल गुजर जाते हैं, और जब फाइनल जो चुनाव फिर से आने वाला होता है तब उनकी जॉइनिंग कराते हैं। बच्चा 5 साल में, 5 साल कोई समय नहीं होता, 60 साल की जिंदगी में 5 साल उसका ऐसे ही खराब हो गया। बहुत मोदी जी, हमने बहुत जान लगाई है, हम सभी ने मिलकर के बहुत जान लगाई है, मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत जान लगाई है, जाने कैसे दें, जाने कैसे दें। सब मास्टर सब पगला गया है, कह रहा है कि ट्यूटर कैंपियन कर है, मोदी जी से मांग करोगे, सरकार से मांग करोगे? तुमको पता नहीं है कि कहां रहते हो, देशद्रोही घोषित हो जाओगे। यहां पर सरकार से तुम कुछ मांग नहीं सकते, बस चुपचाप रहो, रोजगार चाहिए तुमको, दिमाग उमाग सही नहीं है, पकौड़ा बनाओ, रोजगार नहीं है, गोलगप्पा का दुकान खोल दो, ठीक है, रोड पे खड़ा हो जाओ, जूता सियो, ये रोजगार नहीं है। सबका दिमाग खराब हो गया है, ये सब लैकन तो लैकन मास्टरों सब पगला गया है। वो कौन है, शर्मा जी है, एगो जादो जी, सब पगलाया हुआ है, लड़कन से कह रहा है ट्विटर कैंपियन कराओ, दिमाग उमाग सही नहीं है तुम लोगों का। ऑनलाइन ऑफलाइन, चाहे कोई किताब निकालते, चाहे कोई कुछ भी, एक एक व्यक्ति, चाहे हमारे माँ बाप, चाहे भाई बहन, कोई भी व्यक्ति जो इस समय एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एग्जाम की तैयारी करा रहा है या आने वाले समय में कोई एग्जाम देना चाहता है,
सबके सबको एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है कि जिससे इस सोई हुई कुंभकर्ण व्यवस्था की नींवें हिल जाएं, इस व्यवस्था की जड़ें हिल जाएं, और ये आपका हक जो हमारा मानव के तौर पर भी, एक इस देश के संविधान का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर भी और एक इंसान के तौर पर भी जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमें मिल सके। तो साथी, पूरी यूट्यूब, सारी टीचर कम्युनिटी, सारे विद्यार्थी, सब तैयार करने वाले, तैयारी कराने वाले दोनों लोग जाग चुके हैं और अब शुरू हो रहा है इस कुंभकर्ण निकम्मी लाचार बेचारी सरकारी व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह। वही सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी, भगत सिंह आदि ने अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ किया था, ऐसा ही सत्याग्रह आज इस देश के हर एक उस युवा को करने की आवश्यकता है, हर एक युवा के परिवार वालों को करने की आवश्यकता है, और हर एक युवा को गाइड करने वाले उस टीचर को करने की आवश्यकता है जो इस देश में बदलाव की कोई भी एक किरण देखना चाहते। अन्यथा ये जो दिन आज चल रहे हैं, इन दिन को याद करके आने वाले समय में हम सभी लोग रोया करेंगे कि जब हमें आवाज उठाने का समय था तो हम चुप बैठे, हम लोग शांत बैठे और हम लोग ऐसे सुन्न पड़ गए इस सरकारी व्यवस्था के सामने। पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा। एक बात बताओ, अभी सीबीआई का केस रिया हुआ तो एक एक दिन की अपडेट आ रही है नहीं आ रही? सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, अभी रिया कहां है? जब ये 2017 वाला केस सीजीएल का सीबीआई में गया था तब तुम मीडिया वाले मर गए थे। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम, और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। अपने बारे में सोचो, इस सरकार से कोई उम्मीद ना रखो, इसको बता देंगे कि अगर हमारे नहीं हुए तो आपको गिरा देंगे। क्या कहा? आपको बता देंगे, इस सरकार को बता देंगे, अगर हमारे ही नहीं हुए तो आपको गिरा दे। जय हिंद। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपने एक सिस्टम बनाया, 6 साल से लड़के अलग अलग राज्यों में, अब तो खैर कांग्रेस की भी कहीं कहीं कई जगह सरकार है, वहां भी वही हाल है, 6 साल से लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बहाली को लेकर। ये दो यूनी देंगे, टीचर्स पढ़ा सकते हैं, टीचर कोचिंग दे सकते हैं, टीचर अच्छी नॉलेज सिखा सकते हैं, तो क्या टीचर गलत के लिए लड़ना नहीं सिखा सकते? और अगर ये गलत है तो हम ये गलत बार बार करेंगे, कब तक ये इतने तानाशाही चलती रहेगी? 1 सितंबर को 11 बजे से हम एक हैशटैग ट्रेंड करेंगे, हैशटैग SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट। न्यूज चैनल हम नहीं देखेंगे, आपके पिता मम्मी सबको न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा, और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी, चाहे यूट्यूब पे हम चलाएंगे, जैसे कि हैशटैग अभी चल रहा है SSC डिक्लेयर रिजल्ट चल रहा है, और एक चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे एग्जाम। सूची मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, डेली के डेली ट्विटर पे ट्रेंड कराओ हैशटैग SSC CGL डिक्लेयर रिजल्ट, और इसके साथ साथ बॉयकॉट मीडिया, बॉयकॉट गवर्नमेंट। आप जो भी आपके मुद्दे, उन मुद्दों को शांतिपूर्वक देश के सामने रखो, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। घर में बैठे बैठे